नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं कोल्ड स्टोर लोडिंग अनलोडिंग पर बात। और इस सब्जेक्ट में दरअसल मैं बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था इस बार कि बड़ा ही कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट है और इसका एग्जैक्ट डाटा जो है वो मिलता नहीं है सभी जगह का। तो लोगों से, कोल्ड स्टोर वालों से ही मतलब अनुमान लेना पड़ता है कि भैया आपके यहाँ की क्या स्थिति चल रही है, कितना भंडारण हो गया है, क्या निकासी चल रही है। तो रिपोर्ट उससे ही लेनी पड़ती है और उसको लोग बोलने लगते हैं एकदम कि ये झूठ है, ये झूठ है, कोल्ड स्टोर वाला झूठ बोल रहा है, कोल्ड स्टोर वाला चोर है। तो भाई रिपोर्ट तो उसी से लेनी पड़ेगी। किसान से तो कोल्ड स्टोर की रिपोर्ट मिल नहीं सकती है, वो चाहे झूठ हो चाहे सच हो। तो रिपोर्ट वो जो है भाई से, या तो कहीं से इसका डाटा जारी हो, यूपी में तो कहीं डाटा इसका जारी होता नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट है तो फिर क्यों बात करो इस पर, लोगों को लगे झूठ है तो अच्छा नहीं लगता उस पर। और इसका मेरे पास कोई प्रूफ भी है नहीं जो मैं आपके साथ प्रूफ रख दूं कि भाई ये प्रूफ है इसका, और तो इस हिसाब से ये सही है। तो वो एक अंदाजा ही लेना पड़ता है, मोटा मोटा अंदाजा ही होता है। जैसे एक आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि गाड़ी की चौड़ाई कितनी है, कि ये 5 फुट 6 इंच है, कि 5 फुट 8 इंच है, कि 3 फुट 4 इंच है। लेकिन जब आप एक सकरी जगह से निकालते हैं तो आपको ये पता होता कि मेरी गाड़ी यहां से पास हो जाएगी। तो ऐसे ही एक अंदाजा ही है कोल्ड स्टोर का कि कितना भंडारण हुआ है और कितनी निकासी चल रही है, एक मोटा मोटा अंदाजा ही लेना पड़ता है और अंदाजा ही मिलता है। यहाँ पे यूपी में तो कोई एग्जैक्ट डाटा इसका जारी नहीं होता है। इवन गुजरात में एसोसिएशन है वो लोग इसका डाटा जारी करते हैं, और बंगाल में एसोसिएशन है वो लोग डाटा इसका जारी करते हैं, लेकिन लोग उसको भी बोलते हैं झूठ है। तो फिर सच क्या है? जब उस एसोसिएशन का भी डाटा झूठा ही है, बंगाल एसोसिएशन का भी डाटा झूठा ही है, गुजरात एसोसिएशन का भी डाटा झूठा ही है, तो सच डाटा कौन सा है और कहां से आएगा वो डाटा? तो इसलिए मैंने भी सोचा कि इस पे बात ना ही की जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि लोग तो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बोलते ही रहते हैं, बोलना ही इनका काम है, आप बताओ आपके हिसाब से क्या है। तो मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मैं आपसे सवाल करता हूं कि भैया आपके यहाँ भंडारण क्या है, आपके यहाँ क्या निकासी चल रही है, क्या भाव चल रहे हैं। तो जो आप हमें जवाब देते हैं वही मैं आपके कमेंट का जवाब दे रहा हूं, कि जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ क्या भंडारण है, कैसी निकासी हो रही, तो मैं वही जवाब दे रहा हूं और ये अनुमानित ही आंकड़े हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं कि ये अनुमानित ही आंकड़े हैं, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। एग्जैक्ट डाटा जो गुजरात का है, बंगाल का है, एसोसिएशन का ही है, और उसको भी लोग झूठी बोलते हैं कि वो भी झूठ है। तो वो अगर झूठ होगा तो झूठ है। आपको मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से आप मान लें, आप अपना मोटा मोटा एक मैं आपको नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आप खाली इस काम से सुने उस काम से निकाल लें, खाली मैं तो ये कह रहा हूं। और आप अपना जब भी खरीदा बेची करें तो आप कोल्ड स्टोर में जाके पता कर लें कि कितना है वहां पे एग्जैक्ट, तभी आप अपने आलू की खरीदा बेची करें। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं खाली, कि जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया आपके यहाँ क्या है, तो मैं वो जो मेरे हिसाब से जो मुझे आंकड़ा मिला है, जो मेरे लोगों से, जो संपर्क सूत्रों से जो मुझे मिला है, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये झूठ और सच का मतलब वो करना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है, या तो उसका डाटा सरकारी डाटा रिलीज हो तो एकदम सीधा वो रख दिया जाए। और कुछ लोग मतलब चाहते हैं कि इसको नहीं, कि जो अनुमानित है वही बताओ वही बताओ, तो इसलिए मैं वो बता रहा हूं। और मैं भी मतलब ये मतलब इसलिए बताने लगा था कि लोगों को जितना इंटरेस्ट बढ़ता गया मुझे भी इंटरेस्ट बढ़ता गया उसमें। अब जैसे लोग मैं बंगाल गया था तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई इनकी ट्रिप तो लोगों ने स्पॉन्सर की हुई है, ये तो दलाल है। तो यार मतलब थोड़ा सा दिल को बुरा लगता है कि अगर किसी ने, मैं बंगाल गया किसके लिए गया, आप लोगों के लिए गया बंगाल, कि वहां पे कैसा प्रोडक्शन है, कैसा भंडारण है। वहां पे जब गया था स्थिति कुछ और थी, वहां पे बताई जा रही थी 70% की स्थिति बन रही है, लेकिन अब स्थिति कुछ और बन गई है वहां पे। तो मैं इसीलिए गया था, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को लगा कि दलाल है, कोल्ड स्टोर का दलाल है। अगर भाई मुझे किसी ने आने जाने में हेल्प कर दिया, मुझे किसी रहने में हेल्प कर दिया, तो मैंने उसको थैंक यू बोल दिया तो क्या बुरा किया? भाई मेरे खून में ऐसा है कि मुझे कोई अगर हेल्प करता है कहीं तो मैं उसको थैंक यू बोलना उचित समझता हूँ।
हो सकता है आपके उसमें ना हो कि भाई आपके ऊपर कोई कुछ करे, एहसान करे या आपको कोई मदद करे, आप उसको थैंक यू भी ना बोले, तो आपके अंदर ऐसा होगा। मेरे अंदर तो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई हेल्प करे तो मैं उसको थैंक यू ना बोलूं, और मैं प्रोफेशनल हूं तो प्रोफेशनल तरीके से ही थैंक यू बोलूंगा, और अगर जनरल होता तो जनरल वैसे ही आपको हाथ मिलाता ऐसे करके और बोल देता भैया थैंक यू। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल था तो जिन लोगों ने मेरी हेल्प की, मैंने उनके वीडियो में डाला थैंक्स, उनके नाम के थैंक्स करके उनका नाम डाला, और मुझे लगा मेरे हिसाब से ये सही है, तो उस पे कुछ लोगों को लगा कि ये दलाल है, ये ऐसा है। और अरे भाई सीपीआरआई तो एक सरकारी संस्था है, अभी मेरठ में गया सीपीआरआई, तो उसमें भी किसी ने बोला बोला वो बीज का दलाल है। अरे भाई सरकारी संस्था है, उसमें मैं क्या दलाली कर दूंगा बीज की? मैंने तो खाली वहां पे आपको प्रोसीजर बता दिया कि भाई यहाँ पे बीज अगर आपको लेना है तो कैसे लेना है, कैसे ले सकते हैं, और यहाँ पे किस रेट में बीज की बिक्री होती है। मुझे भी नहीं पता था आज तक कि वहां पे बीज की बिक्री होती कैसे है और कैसे लेना है, तो मुझे लगा कि शायद लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो उसमें भी किसी ने बोला कि बीज का दलाल है। अरे अब इसके लिए मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा ये कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट पे बात ही करना बेकार है। खाली भाव सुनो, अलग हो, मुझे भी कम मेहनत है, खाली बस ये जाने आने की मेहनत है। वहां पे गया, कैमरा लगा दिया, लोगों ने बता दिया कि ये भाव ये चल रहा है, और मैंने आपको आपके वीडियो के माध्यम से आपको तक पहुंचा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये कोल्ड का मतलब कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, इस एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो जब आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है वो, तो फिर वो मेहनत करके मुझे फायदा नहीं है कि उसमें आदमी कोई बोले कि ये तो कोल्ड स्टोर का दलाल है, ज्यादा बता रहा है कम बता रहा है। तो भाई मुझे जो लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट, ज्यादा लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि भाई बताओ बताओ बताओ, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, और ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अनुमानित ही आंकड़े हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। जो भी अपनी खरीदा बेची करे वो एग्जैक्ट डाटा जाके कोल्ड स्टोर में पता कर ले सभी जगह कि वहां पे क्या क्या कहाँ पे कितना भंडारण है। तो मैं नहीं बता सकता ये कि कोल्ड स्टोर वाला झूठ बोला या उसका क्लर्क झूठ बोला या उसमें काम करने वाला दूसरा आदमी है वो मेरे को झूठ बोला, लेकिन ये मैंने आंकड़े लिए उन्हीं से ही है। तो अगर आपको सच लगे तो ठीक है, और झूठ लगे तो कोई बात नहीं है। और वैसे आप भी बढ़िया बात ये रहेगी कि सीधा आप ये बोलोगे ये झूठ है, तो अगर आप उसमें ये बोले कि भैया ये नहीं इतना है कि हमारे यहाँ हम अगर 90% बता रहे हैं, आप बताओ वहां पे 70% है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उससे लोगों के पास मतलब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि हाँ भाई यहाँ पे इतना ना होके इतना है। ज्यादा लोगों को जो रिस्पॉन्स आएगा लोगों को अपने आप लग जाएगा। अगर मैं यूपी को बता रहा हूँ कि 90% है, तो अगर आप लोग ज्यादा लोग बता रहे हैं नहीं यूपी 70% ही है 60% ही है, तो ज्यादा लोग क्लियर हो जाएंगे उससे और अपने आप। लेकिन सीधा खाली एक शब्द निकला झूठ है ये झूठा है, तो उससे क्लियर कुछ नहीं होगा, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। ये तो खाली एक वो वाली बात हो गई कि मतलब कुछ कहने वाली बात हो गई, ऐसा है बस। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से मतलब जहां से भी आंकड़े लिए हैं, तो उत्तर प्रदेश में सभी जगह जो है कोल्ड स्टोर खुली बताए गए हैं, सिर्फ इटावा आगरा और सिरसागंज को छोड़ दें तो बाकी सभी जगह खुली ही बताए गए हैं कोल्ड स्टोर, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी गुंजाइश बताई गई है। लेकिन उसका ये भी है कि भंडारण जो है सबसे ज्यादा सिरसागंज और आगरा में ही आलू का होता है, जितना पूरा उत्तर प्रदेश होता है उतना अकेले यहाँ पे होता है। तो फरुखाबाद में वैसे तो फुली बताया जा रहा है कि मतलब फरुखाबाद फुल है, कन्नौज फुल है, मैनपुरी फुल है, लेकिन फरुखाबाद और कन्नौज का जो मैंने सरकारी आंकड़ा पूछा तो वहां से बताया गया 95% फरुखाबाद बताया गया और कन्नौज बताया गया 97%। तो इसमें 95-97% वही है, मतलब जो कुछ एक आध यूनिट बंद होती है तो उनके उसमें तो वो भी आता है जो टोटल कैपेसिटी में वो भी यूनिट आती है जो यूनिट बंद है लेकिन उसमें भंडारण नहीं हुआ, तो वही मतलब जो कोल्ड स्टोरेज चालू है वो कोल्ड स्टोरेज सभी फुली ही है, और कोई बंद पड़ा है तो वही बंद पड़ा है, तो वही उनका डाटा जो है 95% हो गया है, और कन्नौज का जो है 97% है।
मैनपुरी फुली बताया जा रहा है, लेकिन बस वही जो है मतलब सभी जगह का ये फुल बताया जा रहा है, अलीगढ़ फुल बताया जा रहा है, मेरठ फुल बताया जा रहा है, आपका बाराबंकी फुल बताया जा रहा है और एमपी फुल बताया जा रहा है, लेकिन एमपी की तो चलो खैर बाद में बात करते हैं, और आपका बरेली फूल बताया जा रहा है, शाहजहांपुर फूल, मुरादाबाद फूल, संबल फूल, अलाहाबाद, फतेहपुर 90-95%, और सिरसागंज बताया गया 85%, 85 से 90%, आगरा बताया गया 82 से 85%, और इटावा बताया गया 80 से 85%, अलीगढ़ तो बता ही दिया फूल, फिरोजाबाद 90 से 92%, और सासनी जो है 90 से 95%, वही हाथरस 90 से 95%। तो जो 90 से 95% वाली है वो वही है जिसमें एक आध यूनिट बंद है, तो वही जो है कम है खाली उतना, और तो मोटा मोटी जो है फुल है, और आप जब माइनर कैलकुलेशन में जाएंगे तो वही आप 5% उसमें कम कर लो कि भाई कुछ यूनिट जो है बंद होती है और वो बंद है और उसी वजह से वो उतना कम है। तो यूपी में इस हिसाब से जो है 90 से 92% के आसपास अनुमान मिल रहा है कि 90 से 92% इस बार भंडारण है आलू का, और जो कि पिछली साल से ज्यादा है, पिछली साल से कम मतलब 5 से 7% के आसपास ज्यादा है इसमें उत्तर प्रदेश में, और बिहार में बताया गया है 95%, तो कुछ लोग फुल भी बता रहे हैं, 95% से फुल भी बता रहे हैं, लेकिन बिहार में पिछली साल से बहुत ज्यादा है इस बार, 95% है तो भी ज्यादा ही है, क्योंकि पिछली बार 75-80% ही था, और इस बार मतलब कुछ जगह पे तो 100% फुल बता, लेकिन वही यूनिट बंद होगी एक आध, वही जो मतलब वो लोग उसको मतलब 5% कम करके 95% बता रहे हैं। गुजरात में एसोसिएशन की रिपोर्ट आ चुकी है, 95% उन्होंने बताया है वहां पे, लेकिन ये पिछली साल से गुजरात में भंडारण थोड़ा सा कम है इस बार, 95% है फिर भी पिछली साल से थोड़ा सा कुछ कम है, और एमपी में तो सबसे पहले कोल्ड स्टोर फुल हो गए थे और वहां पे 100% फुल बताए जा रहे हैं, लेकिन वहां पे वही होता है कि वहां पे आलू जो है वो 85% के आसपास है आपका, और 15% में कुछ और चीजें भी रखी हुई हैं वहां पे कोल्ड स्टोरों में, मतलब दूसरी चीजें भी रखी जाती हैं, तो आलू जो है 85% होगा और बाकी 15% में दूसरी चीजें होगी। आसाम में 60-70% बताया जा रहा है आलू की, वहां पे भंडारा 60-70% है, और ये आपका बाकी तो इधर यूपी का आप वही मतलब मोटा मोटी जो है 90 से 92% मोटा मोटा आंकड़ा है, कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, और लोगों के हिसाब से जो है बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सबका अनुमान है, अनुमान तो अलग अलग हो सकता है, और मैं भी ये अनुमानित ही बता रहा हूँ कि मतलब लोगों से जो रिपोर्ट मिली है वही बता रहा हूँ, तो पिछली साल से जो है थोड़ा सा ज्यादा है। बात रही वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में पहले बताया जा रहा था कि 70% के आसपास यहाँ पे हो पाएगा, और लेकिन अब जो है वेस्ट बंगाल में हो गया है आपका 82% के आसपास वहां पे हो गया है भंडारण, तो जो कि पिछले साल से जो है करीब करीब 10% के आसपास, 8 से 10% पिछली बार से कम है आलू वहां पे वेस्ट बंगाल में, इसमें कोई डाउट नहीं है जो भी अब, लेकिन वही है कुछ लोग ये भी बताते हैं वेस्ट बंगाल वालों की रिपोर्ट फर्जी है, तो भाई फर्जी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, मैं वही रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट जो है आई है 82% की, और पिछली साल से जो है 10% आलू वहां पे कम है, तो मोटा मोटी तो जो है इन्हीं जगह पे जो है आलू होता है। और एक आपको मोटा एक आइडिया ये बता दूं कि जो वेस्ट बंगाल में कैपेसिटी है जितनी, मतलब करीब करीब 14 करोड़ की कैपेसिटी है वहां पे, और वही यूपी में उससे दूनी कैपेसिटी है आपकी, करीब 28 करोड़ के आसपास, 28-29 करोड़ के आसपास कैपेसिटी है यहाँ पे, तो पिछली बार जो है यहाँ पे यूपी में 80-85% 80-85% के आसपास आलू था, तो और बंगाल में था 90-92% के आसपास पिछली बार, तो इस बार बंगाल जो है बंगाल तो 14 करोड़ की जो कैपेसिटी है उसमें 10% कम है, और जहां पे 28-29 करोड़ की कैपेसिटी है वहां पे आलू 7 से 8% ज्यादा है। तो इसके बाद कहाँ का रह गया है, कहीं का रह गया है, गुजरात का तो बता ही दिया है आपका, पंजाब,
पंजाब में भंडारण जो है 80% के आसपास बताया जा रहा है, और वो भी अगर पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो भंडारण ज्यादा है, भंडारण ज्यादा है पिछले साल से गुजरात पंजाब में। और लेकिन खास बात ये की है कि वहां पे इस बार बीजा का भंडारण ज्यादा लग रहा है, राशन आलू का भंडारण कम लग रहा है, क्योंकि इस बार दिल्ली में पंजाब का आलू जो है वो कम आ रहा है, और जो अभी दोबारा की फसल होती है, अगर वहां पे राशन आलू ज्यादा होता तो अभी ये दोबारा वाला आलू जो है पंजाब से दिल्ली जरूर आता, लेकिन इस बार दिल्ली कम आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से वहां पे लग रहा है कि बीजा का ही भंडारण ज्यादा है और मतलब राशन आलू का भंडारण कम है। ऐसे ही गुजरात में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भंडारण है वो वहां पे मतलब चिप्स आलू का भंडारण थोड़ा ज्यादा है और राशन जो है थोड़ा सा कम है पिछली साल के मुकाबले में, पिछली साल के मुकाबले में मतलब राशन आलू का भंडारण थोड़ा सा कम है और चिप्स का थोड़ा सा ज्यादा है। और यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में तो सब राशन आलू ही होता है, और या तो बीज वगैरह होता है वो होता है, और या राशन चिप्स आलू तो यहाँ पे चिप्स में तो जाता नहीं है, बस चिप्स वाला भी आलू जो चिप्स वाला वगैरह होता है वो भी खाने में ही जाता है। तो ये था आपका मोटा आइडिया कि मतलब भंडारण कहाँ पे क्या है कैसा है। और भाई एक लोग सवाल करते हैं कि आगे भाव कैसा रहेगा, तो ये सवाल बहुत कठिन है और इसका जवाब देना जो है बहुत मुश्किल है कि आगे क्या रहेगा, ये तो कोई ज्योतिषी बताए या कोई मतलब जो भविष्य जानता है वो बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे ना तो ज्योतिष आता है ना तो मुझे भविष्य आता है कि मतलब भविष्य मतलब क्या रहेगा इसका, तो ये तो बताना मुश्किल है कि मतलब आगे कैसा रहेगा। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि भंडारण बंगाल में जो है 10% कम है करीब करीब, और यहाँ पे आपका 7-8% ज्यादा है। तो और एक मोटा अनुमान एक जो मतलब बता रहा हूं, इस बार आलू में जो बाद में तेजी आई वो भी बंगाल की वजह से ही आई है, तो मंडी बंगाल के हिसाब से ही चलेगी, क्योंकि अभी भी आलू की जो डिमांड है वो बंगाल में ही डिमांड है। मतलब बंगाल सीधा बंगाल में डिमांड ना होके तो वो उड़ीसा में मतलब जहां पर बंगाल सप्लाई करता था वहां की डिमांड है, तो मोस्टली उड़ीसा की उड़ी होती है, और आलू के जो अभी अच्छे भाव बने हुए हैं, आलू की डिमांड बड़ी अच्छी है इस टाइम पे, निकासी बड़ी अच्छी हो रही है, आगरा में बता रहे हैं 200 से 250 गाड़ी डेली निकासी हो रही है, तो डिमांड मतलब पिछले साल से बड़ी अच्छी निकासी है। गुजरात में भी करीब करीब 80,000 पैकेट के आसपास बता रहे निकल रहे हैं रोज गुजरात में भी, और यहाँ पे फर्रुखाबाद में तो अभी निकासी जो है नाम मात्र के लिए है, इक्का दुक्का लोग गाड़ी निकाल रहे हैं, अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, वो भी अभी बिक्री की गाड़ी मतलब नहीं है कोई जिसमें मैं आपको ये बता पाऊं कि मतलब यहाँ पे निकासी किस रेट की हो रही है। लोग अपना आलू क्योंकि जो व्यापारी हैं उनसे कोई आलू बोलता है कि भैया ये डंप वाला आलू गर्म आलू है और ये यहाँ तक आके सड़ जाता है तो हमको ठंडा आलू चाहिए कोल्ड वाला, तो वो अपनी गाड़ी कोल्ड से निकाल के दे देता है, वो किस रेट में गई क्या रेट गई वो उसी को मालूम है, क्यों जिसकी बिक्री नहीं हुई उसका रेट का क्या बता सकते हैं। लेकिन इक्का दुक्का निकासी यहाँ से फरुखाबाद से शुरू हुई है, क्यों ज्यादा निकासी इसलिए नहीं हो रही है कि मंडी में ही अभी 35-40 मोटर की आमदनी आ रही है, और जब ये आमदनी थोड़ी सी कम हो जाएगी 15-20 मोटर के आसपास आ जाएगी, 20 मोटर के भी भीतर आ जाएगी, 15 मोटर 10 मोटर 15 मोटर, तो कोल्ड स्टोर से निकासी होने लगेगी। और कुछ लोगों का ये कि डंप कितना है, तो भाई डंप का भी एग्जैक्ट आंकड़ा मतलब बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डंप जो है खेतों में गांव में अलग अलग कोनों खोचों में लगा होता है, तो पता नहीं चलता कि कहाँ कितना है, तो वो मंडी में मतलब किस रेशियो से आ रहा है उसी के हिसाब से लगता है कि मतलब डंप अभी है अभी ज्यादा है कम है, इतना ही आप कह सकते हो खाली। तो अभी ऐसा लग रहा है कि डंप अभी मतलब ये अप्रैल भर तो ये मतलब करीब करीब 35-40 मोटर की मतलब जो आमदनी आती है वो आएगी, मतलब 30-35 मोटर के आसपास आमदनी हो जाए, और ऐसा लग रहा है कि 15 मई तक जो है डंप का आलू आएगा और आमदनी उस टाइम पे जो है वो घटकर जो है मेरे ख्याल से 5-10 मोटर के आसपास सिमट जानी चाहिए, ऐसा अनुमान है। हो सकता है आगे पीछे भी चल जाए भाई उसकी, मैं कोई ये बाद में बात पकड़े कि नहीं तुमने तो कहा था कि 15 तारीख तक ही चलेगा, ये एक अंदाजा बता रहा हूँ कि अभी जो 35-40 गाड़ी आ रही है उसके हिसाब से,
और जो लोगों से पूछते रहते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कितना रह गया, कोई बोलता नहीं हमारे यहाँ खत्म है, कोई बोलता हमारे यहाँ पे है, कोई बोलता हम गेहूँ हमारे यहाँ लोग गेहूं का टाइम लगे हैं, शादियों में लगे हैं इसलिए अभी लोग भर नहीं रहे हैं, लेकिन आलू है। तो वो हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मतलब अप्रैल भर तो आलू आएगा, मतलब वही 30-35 गाड़ी के आसपास आ सकता है, और 15 मई तक डंप जो है समाप्त होने की संभावना है। और कोल्ड स्टोर जो है यहाँ पे 1 मई से लगभग लगभग जैसे ही यहाँ पे आमदनी जो है मतलब थोड़ी भीतर घुसेगी, 20 मोटर के आसपास आएगी, और मई के बाद जो है आमदनी वही भीतर घुसना चालू हो जाएगी, तो जो है बाहर के आलू से पूर्ति नहीं पड़ेगी, तो कोल्ड स्टोर जो है खुलेंगे और यहाँ से निकासियां चालू होंगी। और भाव जो है भाव बंगाल के हिसाब से ही चलेंगे, बंगाल अगर थोड़ा सा टाइट रहता है तो यहाँ पे भी भाव टाइट रहेंगे, और बंगाल जिस दिन मतलब छोड़ देगा कि नहीं यार, क्योंकि बंगाल में भंडारण है इस बार, अपने यहाँ भंडारण है 500 रुपए पैकेट का, ये हाइब्रिड आलू का। आगरा में भंडारण है 600-700 रुपए पैकेट का, मतलब 37-97 आलू का। बंगाल में भंडारण है वही आपका मतलब ज्योति आलू का 800 रुपए पैकेट के आसपास का। तो भंडारण का जो रेशियो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जैसे 500 पैकेट का आलू है उसपे 150 रुपया खर्चा हुआ, तो मतलब 750 भी अगर बिका यहाँ पे 750 का भी पैकेट बिका। अब कुछ भंडारण तो जो छिले आलू भरे हैं वो तो और भी कम पैसे के आलू हैं, तो यहाँ पे 700-750 भी बिका तो आदमी कोल्ड स्टोर से निकालने लगेगा। और बंगाल में भंडारण है 800 रुपये पैकेट का, तो उसपे भी मतलब 150-150 रुपया खर्चा होगा, तो मतलब 950 से कम में अगर बंगाल के लोग निकालेंगे आलू तो उनको नुकसान मतलब होने की संभावना है, और 950 से जब ऊपर निकलेगा तभी उनको 10-20 रुपये उसमें मिलेंगे, और 950 से नीचे निकलेगा तो नहीं मिलेगा। वही आगरा में मतलब 600-700 रुपये पैकेट का भंडारण है, तो 700 के बाद 150 रुपया खर्चा, मतलब 850 भी अगर आगरा वालों को भाव मिला तो मतलब कोल्ड स्टोर से निकलता रहेगा, और कुछ भंडारण जो कम के होते हैं वो निकल भी रहे हैं, आगरा से निकासी टाइम पे हो रही है खूब। तो एक मोटा मोटा बता रहे हैं, मतलब जो प्रॉफिट वाली बात है, मतलब 750 का भंडारण है बढ़िया आलू का, तो वो अगर 850 बिकेगा तो उसका पैसा निकल आएगा। तो वही हिसाब से अगर बंगाल टाइट बना रहा तो पोजीशन यहाँ भी टाइट बनी रहेगी, क्योंकि वो 950 से नीचे अगर घुसेंगे तो यहाँ पे भी भाव घुसेगा भीतर, और वो अगर 950 से भीतर नहीं घुसना चाहेंगे तो मतलब जिस रेट में उन्होंने खरीदा है और उसी रेट से उस रेट से कम में बेचना चालू करेंगे तो भाव मतलब यहाँ पे भी नीचे आएंगे, और अगर वो अपने उस रेट से ऊपर बेचना चाहेंगे तो भाव जो है मतलब ठीक ठाक बने रहने की उम्मीद है। और जैसा कि अभी डिमांड अच्छी है तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आलू ठीक ही ठाक निकल जाएगा, और हर बार सिचुएशन अलग अलग आती हैं, एक ही सिचुएशन नहीं रहती है, कोई भी सिचुएशन बदल सकती है, उसके हिसाब से रेट में चेंजेस भी आ सकते हैं। अगर मतलब कोई सिचुएशन बदल गई उसके हिसाब से मतलब इसके डिमांड भी बढ़ सकती है घट भी सकती है, लेकिन अभी फिलहाल डिमांड अच्छी है आलू की, यहाँ उत्तर प्रदेश में डिमांड अच्छी बनी रही है बनी हुई है। और कुछ लोग पूछते हैं आलू के एक्सपोर्ट की बात पूछते हैं, तो कि आलू यूक्रेन जा रहा है क्या, आलू जाएगा क्या, या आलू रूस जाएगा क्या, आलू श्रीलंका जाएगा क्या। तो भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आलू यूक्रेन जाएगा कि नहीं जाएगा, श्रीलंका जाएगा कि नहीं जाएगा, और रूस जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी है वो लोग जानकारी दे रहे होंगे, तो आप उनसे ही ज़्यादा डिटेल लें कि भाई भाई कब जा रहा है, क्या जा रहा है, और कब से जाएगा। तो मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि यूक्रेन जाएगा कि नहीं जाएगा, श्रीलंका जाएगा कि नहीं जाएगा, और लेकिन बहुत सारे लोगों के फोन आए या कमेंट में आए कि भाई कि कब से जा रहा है, जाएगा नहीं जाएगा, तो भाई उसका आंसर यही है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में अभी, और कमेंट में मैंने यही रिप्लाई किया था। तो भाई जिन जो लोग बता रहे हैं कि यूक्रेन जाएगा और श्रीलंका जाएगा, तो उनको ज्यादा पता होगा कि भाई कब कब से जाएगा। अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आलू यहाँ से जितना बाहर निकल जाएगा उतना ही मतलब यहाँ के किसानों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसका स्टॉक जो है मतलब कंजप्शन ज्यादा बढ़ जाएगा, तो डिमांड ज्यादा अच्छी होगी, भाव ज्यादा अच्छे रहेंगे।
मेरे ख्याल से अभी तक तो आपके सारे सवालों के जवाब हो गए होंगे, और कुछ अगर बाकी भी रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।